कोरोना वायरस की महामारी कारण केंद्र और राज्य सरकार कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए कई प्रकार के प्रयास कर रही है। मोदी सरकार ने भी वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई है। इस बीच अब सरकार ने कृषि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसके तहत अगर आप भी एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार 20 लाख रुपए के लोन पर 36 से 44% तक सब्सिडी दे रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती। जी हां, अगर कोई व्यक्ति जो कृषि से जुड़ा हुआ है या इसमें शामिल होना चाहता है तो वह 20 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकता है। यह राशि एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस योजना से जुड़ने वाले इच्छुक व्यक्ति को 45 दिनों का ट्रेनिंग देना होगा। इसके बाद यदि आप योग्य पाए जाते हैं तो नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपको लोन देगा। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप ट्रेनिंग के लिए एक कॉलेज चुनें। इन सभी ट्रेनिंग सेंटरों को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के एक संगठन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान की नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद से जोड़ा गया है। यह संस्थान भारतीय कृषि मंत्रालय के अधीन है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आवेदकों को कृषि से संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए नाबार्ड से लोन लेने के लिए पूरी मदद प्रदान की जाएगी। कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए आवेदकों उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है और 5 व्यक्तियों के समूह को 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। इतना ही नहीं, सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 36% सब्सिडी और अनुसूचित जाति जनजाति और महिला आवेदकों को इस कर्ज पर 44% तक सब्सिडी पर दी जाती है। कृषि व्यवसाय की अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-425-1556 पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार यह कर्ज इसलिए दे रही है ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स करने वाला युवा खेती से जुड़े बिजनेस करने में मदद कर सके। लिहाजा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उस क्षेत्र के किसान भी आगे बढ़ सकेंगे। नाबार्ड से मिलने वाले लोन को चुकाने के लिए अधिकतम 15 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।